नमस्कार। कोरोना के मरीज के इलाज के दौरान 10 लोग हॉस्पिटल के, 21 लोग हुए संक्रमित। जहां दोस्तों पूरे मुंबई में मच गई तहलका। कोरोना वायरस जैसे खतरनाक वायरस के संक्रमण को फैलने के लिए डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर दिन रात जुट गए। जी दोस्तों, इस खबर सुनने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं। जी दोस्तों, बात है महाराष्ट्र के मुंबई के एक प्राइवेट अस्पताल जसलोक हॉस्पिटल में मेडिकल स्टाफ के 21 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद हॉस्पिटल ने तत्काल प्रभाव से अपनी सारी सेवाएं स्थगित कर दी। हालांकि इसमें इमरजेंसी सेवा शुरू रहेगी। जसलोक हॉस्पिटल के बीच एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने मीडिया से बातचीत में कहा, 13 अप्रैल से हॉस्पिटल का कामकाज नियमित रूप से शुरू किया जाएगा। 2 हफ्ते पहले एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट अस्पताल में भर्ती हुआ था, जिसके इलाज के दौरान हमारे स्टाफ के कुछ लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए। 10 दिन में हमने स्टाफ के 1000 से भी ज्यादा टेस्ट किए। आपको बता दें कि इससे पहले जब मुंबई में एक प्राइवेट हॉस्पिटल के स्टाफ को कोरोना वायरस का लक्षण पाए गए थे, तब उस प्राइवेट हॉस्पिटल को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। जय दोस्तों, भारत में लॉकडाउन के बावजूद लगातार स्थिति बिगड़ती जा रही है। देश में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 5000 से भी ज्यादा हो चुके, जबकि इनमें से 170 लोगों की भी मौत हो चुकी है। देश के राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र में खासकर आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। जय दोस्तों, हर खबर पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। जय हिंद, जय भारत।